जो है ना वो संभालने। कल भी हमारी ट्रेनिंग है, कल हमारी पौधों की भी ट्रेनिंग है, तो उधर भी जाना है। तो इन्होंने कहा कि 12 बजे आप लोग ना पहुँच जाइए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? ठीक है, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। तो जा रही हूँ जॉब के ऊपर, तो फातिमा ने रोने डाले, मेरी मोबाइल दोनों साथ लेके जा रही है। तो अब निकली हूँ, आज मैंने जाना है, अपनी ट्रेनिंग है मेरी किसी यूनिवर्सिटी में है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो हमारे सिटी में है उधर है। तो मैं अब निकल आई हूँ, और बस मैंने डिंकी पे सफ़र करना है, तो इसलिए मैं 8:30 ही निकला ही। मैंने कहा आधा घंटा लग जाना घर से जाते जाते, तो बाकी जो है ना वो आपको उधर जाके पता चलेगा कि क्या वर्कशॉप है, किस बारे में थी, वो भी फिर आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे आ गई हूँ मैं, इधर है मेरी ट्रेनिंग, तो अब चलती हूँ अंदर। मुझे तो मिल गई सीट आते ही है, मेरा सारा सामान मैंने पहले ही रखा हुआ था ट्रेनिंग का। मैं तो बैठ गई, आपको बताना चाहता हूँ ताकि समझने में आसानी हो और टाइम से हम ट्रेनिंग को शुरू कर सके और टाइम से इसको मुकम्मल कर सके, तो इसमें आप लोगों का ताबुन है हमें चाहिए। सबसे पहले आप लोग, आप जो हमारे यहाँ पर मेंबर्स हैं कमेटी के, उनके साथ ताबुन करें, वो आपको जिस तरह गाइड करके जिस जगह पे बटन दिखाते हैं वहां बैठे, और वो आपकी मदद भी करेंगे आपके फॉर्म वगैरह फिल करने में, क्योंकि इससे आप लोगों को भी आसानी होगी और काम स्मूथली चल पर देगा। इसके अलावा इजी पे जैस कैश कुछ नहीं चलेगा, इजी पैसा या जैस कैश का अकाउंट नहीं लिखना। इससे तो आपकी सैलरी जिस अकाउंट पे आती है या कोई भी बैंक अकाउंट नंबर है तो वो डेट ही आनी है दोनों जगह से, नाम फादर नेम है, फादर नेम इधर उन्होंने दिया है अपना एक फॉर्म, वो फिल कर रही हूँ अभी, आधा हुआ है आधा रहता है, मैं पूरा करके फिर आपको दिखाती हूँ। वो अभी समझा भी गई है, मैं फिर भूल गई हूँ दरमियान में से। अब मैं उसको मैंने आवाज़ दी, मैंने कहा अभी आज और बताओ मुझे, आप कह रही मैं आती हूँ। हाँ मैं और ये ट्रेनिंग की सेटिंग करी है मैंने, अपना वो फॉर्म मैंने ये फिल करके मैडम को दे दिया, मैडम ने जमा कर लिया, ये सारी जो है ना फिलिंग हो गई है। तो अब मैं ट्रेनिंग के इंतजार में बैठी हूँ, स्टार्ट हो तो सुने, और रिफ्रेशमेंट का भी कह रहे हैं तो इस ट्रेनिंग के पैसे भी हैं, उन्होंने हमारा अकाउंट नंबर वगैरह हर चीज़ ले ली है, तो ये अपना सामान वगैरह सेट कर रहे हैं जो ट्रेनिंग देनी है इन्होंने, तो यहाँ पर सारा अपना होना यहाँ पे ये सारा लगा दिया ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल है, तो वो बैठी हुई है यहाँ साथ मैडम जो है, तो यहाँ पर मीटिंग हो रही है। और ये जो है ना नेशनल लेवल पे हमारी ट्रेनिंग है, ये लाहौर से टीम आई हुई है जो हमें ट्रेनिंग देंगी आज जो कल 2 दिन की है, और कल वैसे मेरी 4 दिन की ट्रेनिंग भी है, तो फिर अब मुझे छुट्टी करनी पड़ेगी। अब ये कह रहे हैं कल आपने मिस नहीं करना, ये वाली ट्रेनिंग लेनी लेनी है, तो अब देखिए यही है ना कि दो जगह पर जाना पड़ रहा है, तो समझ नहीं आते जाना किधर है। तो आज भी मैं घर से निकली तो मेरे हस्बैंड ने मुझे आवाज़ दी कि मैं छोड़ के पता नहीं चल रहा है किधर है यूनिवर्सिटी, तो फिर वो छोड़ के गया। सेहत और गजाइयत में मज़ीद बेहतरीन आए, हम अपनी तकरीब का आगाज़ अब तलावत कुरान पाक से करेंगे, और मैं तलावत के लिए हाफिज अब्दुल्ला को स्टेज पर दावत देती हूँ। कोशिश करनी है कि माँ का रोल इसके अलावा भी एंड अप भी है, और वो एंड अप ये है कि जो वो उसको अलाउ कर रही है। यहाँ पे हो गया लंच टाइम, तो साथ एक पानी की बोतल और बिरयानी का डिब्बा दिया है, तो वो खाने लगे हैं। हम तो फिर बाद में 1 घंटे की ब्रेक है, वो करें नमाज की, तो फिर बाद में जो रहेगा सैचे बोतल मांगे, तो आप मैं इसको खोलती हूँ रेफर कर देते हैं, लेकिन उससे पहले काम हमारा है, हम लोगों का काम है कि हमने बच्चे को एसेस करना है। ये है यूनिवर्सिटी का व्यू, तो अब हमें हो गया छुट्टी, तो आज की ट्रेनिंग बहुत ज़बरदस्त रही है, बहुत कुछ सीखने को मिला, तो अब हम लोग जो है ना बाहर दरवाजे की तरफ निकल रहे हैं। छुट्टी हो गया तो फादर पड़े आ गए, तो मौसम ठीक हो गया, तो अब हम निकल रहे हैं। ये देखिए रास्ते में ये रास्ता जो है ना, मैं किसी ने बताया कि आप इधर से निकलें तो आगे आपका जो रिक्शा है ना वो आपको मिल जाएगा, तो अब हम ना
भागी जा रही हैं कि जल्दी जल्दी ना घर पहुंच जाएं और आके अपने काम काज जो है ना वो संभालें। कल भी हमारी ट्रेनिंग है, कल हमारी पोजियों की भी ट्रेनिंग है, तो उधर भी जाना है। तो इन्होंने कहा कि 12 बजे आप लोग ना पहुंच जाइएगा इधर हाजिरी होगी। अगर आप कल ना आए तो आपकी फिर ना एक्शन ली जाएगी। तो फिर हमने कल भी आना है, तो आज ना अब हम जा रहे हैं घर। तो चले जी, अब रिक्शा वो सामने खड़े हुए हैं, रिक्शे वो बाहर, तो पूछते हैं उनसे, रुकवाते हैं रिक्शा। मुझे तो ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी लग रही है, इतना ये काम हो रहा है इधर, सारा नहीं बन रही है और खाली जगह है। और ये यहाँ पे तो मेरा ख्याल कोई उन्होंने कोई फसल बोई हुई है, ये पास ही जैसे पहले नहीं बनाई होती। और ये आ गया इसका गेट जहाँ से हम बाहर निकलते हैं, और ये रिक्शे खड़े हैं ये करवा के ना, तो फिर चलते हैं घर की तरफ। अभी पहुंची हूँ घर, तो ये देखे बारिश कितनी तेज हुई है एकदम से। तो मैं रिक्शे पे, फिर मैंने फोन किया था तो मेरे हस्बैंड मुझे लेके आए रिक्शे पे। तो अब मैं आई हूँ, तो आते ही मैंने ना अपना मुंह हाथ धोया, पांव धोए हैं, तो अब मैं लगी हूँ रोटी बनाने। तो अभी देखे मौसम जो है ना बड़ा खराब हो रहा है, बड़े काले बादल आए हुए हैं, काले बादल और ये तेज बारिश जो है ना स्टार्ट हो गई है। तो चलें जी, आज की जो मैंने आपसे रूटीन शेयर की है मेरी जॉब की थी, तो अब मैंने वीडियो कर देना यहाँ पे एंड। तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।